गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? देखो हमारे यहाँ कैसा मौसम हो रखा है, गला भी खराब हो गया इस वजह से। बारिश बारिश ही बारिश, पूरी रात बारिश होती रही है। ये सुबह के फिर से मैं दिखा रही हूँ जो अभी का मौसम, सुबह के 7:15 बजे तो मैं इनको खेतों से बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से लेके निकली हूँ बाहर को अपने गार्डन साइड, ताकि इनको दिखा पाऊँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने दिन से बच्चे घर पे ही कैद हैं। और देखो ज़रा सब्जी वाले आए कि नहीं, तो हमारी तो जैकेट स्वेटर भी हम उठा नहीं पा रहे हैं, चीकू के स्कूल तक जाती है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा धुंध। लेकिन कोई नहीं, वैसे कर सकते, वैसे कोई नहीं निकल रहा है। मेरी मॉर्निंग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सामान ऑलमोस्ट ख़त्म जा रहा है, जूते बादाम है तो बादाम काजू पड़े थे, तो चलो फिर इसी से करते हैं। बिस्किट भी, कुकीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, थोड़े बहुत बिस्किट टाइगर वगैरह पड़े होंगे। इसके साथ मैं ले लूँगी भैंस का ताज़ा दूध जो आया है अभी अभी, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिला लूँगी, मुझे पंडित जी ने वाइट दूध पीने से मना किया। इसके साथ मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओहो मलाई थोड़ी सी बाहर लग गई, हो जाता है कभी कभी ऐसा। थोड़ा सा हमें ऐसे कोरोना वाले टाइम में इम्यून सिस्टम अपना, वैसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम का, पर मैं थोड़ी सी मतलब लापरवाह हो गई थी खाने पीने के मामले में। तला बाहर का जंक फूड वगैरह बहुत खा रही थी, फिर मैं बीमार थी जिसे पता होगा, एंजियोग्राफी वगैरह हुई, उसके बाद मैंने जंक फूड बाहर का बहुत कम कर दिया। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, वैसे आप बाहर जाए नहीं जाते, लेकिन जंक फूड जो है वैसे भी कम खाएं। जैसे जो लोग हफ्ते में 2-3 दिन बाहर जाते हैं, अब 2-3 दिन बाहर जाते हैं। काटने ही पड़ेंगे, और बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि फ्रेश सब्जियां जो है पीछे से आ नहीं रही हैं, और लेनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उनमें भी कोरोना का डर हो सकता है किसी के हाथ लगे हों। तो जो पहले का स्टॉक पड़ा था सब्जियों का, उसमें से मम्मी 2-3 बंद गोभी उठा के ले आई, और गोभी टमाटर ये सब आज मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अपनी शॉप से हमने 10 किलो प्याज मंगवाया था, तो वो चलो 1-2 किलो चाचा वगैरह को दे दिया जैसे, तो खुद का बचा है 5-6 किलो, लेकिन 5-6 किलो शायद निकल पाए 15 दिन हमारे, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है और चीज़ों की। तो हम लोग वेल कर्फ्यू वगैरह का देखते हुए कि शॉप्स बंद रह रही हैं, मम्मी राजमा ले आई हैं 1 किलो, और थोड़ा पोहा ले आए हैं, है ना, और क्या कहते हैं आलू प्याज तो हमारी खुद की शॉप पे हैं वो ले आए, विम बार और साबुन वगैरह हम ले आए, क्योंकि हम भी बार बार शॉप नहीं खोल पा रहे हैं, पुलिस वाले बार बार यहाँ पे राउंड दे रहे हैं बाइक वगैरह पर। और इनो ले आई हूँ मैं, क्योंकि इडली बनाऊंगी मैं 2-3 दिन में, तो इनो ले आई हूँ मैं, एक ये फ्लेवर और एक ये, और पता नहीं क्या यार लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, और ना इडली के साथ साथ डोसा बनाने की इच्छा है पर डोसा पाउडर ख़त्म है जो होता है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बढ़िया। वैसे मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ढंग से दिखाऊं रेसिपी, लेकिन ये वाली जो छोटी बड़ी है ना, इनको मैं भिगो दूंगी। पहले वाली जो होती थी ना बड़ी बड़ी जो आती हैं जैसे फॉर्चून वगैरह की, उनको मैं थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में ना उबाल लेती थी एक बार, उसके बाद तड़का लगाती थी। बट ये जो है ना, ये मुझे मिली है बालवाड़ी केंद्र में होता जो आंगनवाड़ी, उससे मिली है मुझे ये, क्योंकि अभी मेरी गुड़िया 3 साल की नहीं, तो थोड़ा बहुत राशन मिलता है ना, तो 6 महीने तक तो मैंने लिया ही नहीं बीच में, फिर लिया उसके बाद, तो ये उसमें से मिली है। तो ये ना बहुत छोटी है, इनको जब मैंने बॉईल किया ना तो इनका बिल्कुल गोबर जैसा बन गया, मतलब ये बिल्कुल फट सी गई, तो मैं इनको बस अभी धो के फिर इनको फ्राई करके फिर तड़का अलग से लगाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने ऐसे बनाई थी तो ये अच्छी बनी, मतलब ट्राई करती रहती हूँ कोई ना कोई नई चीज़, तो धोनी तो पड़ती है यार, फैक्ट्री से आती है पीछे से बनते, तो उस तरह से सभी बनाऊँगी तड़का लगा के। और ये हमारा पपीता, हमारे खुद के यहाँ पीछे जो हमारा गार्डन है आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, पपीता चीकू और मम्मी अभी भी लेके आए हैं, चीकू हर
मैंने इसके लिए लिया है मस्टर्ड ऑयल पी मार का। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है क्योंकि मुझे बढ़िया भी तलनी है। थोड़ा और डाल लेती हूँ। और प्याज मैंने एक प्याज लिया था मैंने, जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। वैसे मैं कूटती हूँ इसे, लेकिन मैंने अभी कद्दूकस किया है। और टमाटर की कमी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं दो टमाटर ना लेके एक ही कद्दूकस करूँ, क्योंकि यार पीछे से सब्जी वब्जी की कमी हो गई है। तो एक ही टमाटर, वैसे दो टमाटर डालो तभी ये सब्जी अच्छी बनती है, बट एक ही डालो। मम्मी और मैं दोनों काम कर रहे हैं। मम्मी बर्तन साफ कर रहे थे और मैं अभी तेल गरम होने दूंगी। फिर तेल गरम जब हो जाएगा तब मैं इन बड़ियों को भून लूंगी। मैंने इन्हें भिगोया नहीं था, जस्ट धोया था। जैसे जो बड़ी वाली होती हैं सोयाबीन की बड़ियाँ, उनको हमें थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में उबालना चाहिए, बट ये छोटी वाली हैं तो इनको हमें सिर्फ धोकर फ्राई कर लेना चाहिए। धुएं में दिख भी नहीं रहा होगा। अभी अच्छी तरह से भून ली है तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। फ्राई हो गई हैं। ऐसे बनाने से बहुत टेस्टी बनती हैं, पर इनको धोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धोएंगे नहीं तो इसमें फैक्ट्रियों का गंध, जहाँ ये बनती है, इनको शेप दिया जाता है, वो सारा इसमें ही रहेगा। तो इसे प्लीज़ पहले हल्के कोसे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से धो लें। उसके बाद सफिशेंट तेल बच गया, उसमें ही मैं ज़ीरा और तड़का लगा लूँगी, जो कि मेरे मॉम के स्टाइल का है। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा ये वाला धनिया। अब ज़्यादा धनिया मैं पसंद नहीं करती हूँ। और नमक हमेशा तड़के में ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि नमक को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ थोड़ी सी शेडो पड़ती है यार, तो वेल तड़के में ही नमक ऐड कर रही हूँ। और प्याज मेरा अच्छे से हो गया, भुन गया ना। जब हमारा प्याज भून जाए ना अच्छे से, अब मैं लगा दूंगी इसमें टमाटर। टमाटर मुझे एक बहुत कम लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों ग्राइंड कर लिए। कभी कभी किसी चीज़ पे हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं है यार, लेकिन अब मौसम ही ऐसा है, मतलब दिन ही ऐसे चल रहे हैं। आज वैसे भी बहुत धुंध पड़ी है, आज भी बारिश हो रही है, अजीब सा मौसम हो गया, जैसे सर्दी होती है। अब मैं इसे अच्छे से भुनने दूंगी, उसके बाद इसमें आलू भूनूंगी, फिर मसाले मसाले डाल के साथ में तब बढ़िया दूध भूनूंगी। मम्मी ने ताज़ा मक्खन बनाया अभी ये। चलो हमें परमात्मा की दया से, ऊपर वाले की दया से घी मक्खन तो हमारा घर का ही निकल आता है। ऑयल हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते, हालांकि सफोला भी रिफाइंड ऑयल होता है, लेकिन हम लोग सफोला और सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो मैंने हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा मेथी पाउडर। मम्मी धनिया पाउडर ख़त्म है देना। धनिया भी हम लोग बाज़ार से नहीं लेते हैं, मम्मी शॉप से धनिया लाते हैं, क्योंकि हमारी शॉप है तो शॉप से धनिया लाती हैं। मम्मी खुद पीसती हैं धनिया भी, ज़ीरा भी और काली मिर्च भी, मेथी भी मम्मी खुद ही पीसती हैं। धनिया मम्मी सब्जी में डाल भी दो आप ना, मैं हाथ साफ कर लूँ। बाकी पाई थे मैं सारे। मसाला अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को हल्का सा मतलब भून कर उसके बाद मैं बढ़िया ऐड करूंगी इसमें।
राशन का डिब्बू खुला है जो सामने था, आलू भुन गए हैं, तो अब मैं ये बढ़िया भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इनको भी हल्का सा सेक लगने दूँगी अच्छे से, उसके बाद ही आपने पानी ऐड करना है। अगर आपको जैसे बहुत पतली सब्जी होती है ना आलू बड़ी की, वो भी अच्छी नहीं लगती, बहुत सूखी भी नहीं अच्छी लगती। नॉर्मल ग्रेवी रखने के लिए अगर आपने तीन, जैसे मैंने मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, तो आपको दो ये वाले ग्लास जो होते हैं ना नॉर्मल वाले ग्लास, ये पानी के, और पाँच सीटी, मतलब अंदाज़ा एक दो बार बनाएंगे तो हो जाएगा, है ना। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा पतली रखनी है सब्ज़ी, तो ढाई ग्लास। मैं अदरक कद्दूकस कर रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च मैंने नॉर्मल तड़के में नहीं ऐड की थी, अब ऐड करूँगी ऊपर से, तो इसकी खुशबू ज़्यादा आती है। अगर आप एक कली या दो कली लहसुन की, जैसे हम लोग अगर ऐड कर देना ऊपर से जब बन गई है सब्जी, और बाद में डाल के फिर एक आध सीटी लगाएं, तो उससे भी बहुत सारी बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट अलग सा आता है। तो इतना सा मैंने एक हरी मिर्च लिया है, और इतना सा अदरक तो मैंने अच्छा खासा लिया है, क्योंकि अदरक तो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मौसम भी ठीक नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, बारिश हो रही है बाहर, तो मेरी आलू बड़ियाँ बहुत अच्छे से भुन गई हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं पानी लगाऊंगी इसमें। और अगर आप थोड़ा सा मक्खन या घी, अभी तो ताज़ा बना है, तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, इतना सा, इससे बहुत बहुत बहुत। घी तो मम्मा पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, घी हम लोग घर पर बनाते हैं, और मक्खन भी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरी अंगूठी कल गुम हो गई थी यार, कल से ढूंढ रही हूँ, पूरी रात मैंने ढूंढी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अभी लाई थी इसे, एक दो महीने हुए होंगे मुश्किल से, जैसे हम कड़ा पहनते हैं ना। तो ये बन गई है सब्जी, बन रही है, इसको अब मैं ढक्कन लगा के विसल्स लगवाऊंगी, सीटियाँ, पाँच छः सीटियाँ। घर के प्रेशर कुकर्स का तो पता ही होता है कैसे हैं कैसे नहीं, तो ये जो हमारा प्रेशर कुकर है ना, इसमें अगर नॉर्मल बड़े वाले में या प्रेस्टीज वाले में हमें दो सीटियां लगानी पड़ती हैं ना, तो इस वाले में क्या होता है, इसमें हमें तीन या चार सीटियां लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये छोटा है और जल्दी जल्दी सीटियाँ बजाने लग जाता है ये वाला प्रेशर कुकर, इसलिए। और आप लोग, हमारा गरीबों का किचन ऐसा ही है जी, कहीं होंगे बहुत अच्छे होते होंगे, वेल हमारा ऐसा ही है। और आप लोग मेरे को बताना कमेंट करके, यार आप लोग कमेंट कर दिया करो, हम बेचारों का भी व्लॉग देख लिया करो, कभी कभी देख के आगे बढ़ जाते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। होप आप लोगों को आज का ये मीनू सा व्लॉग पसंद आएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मौसम दिखाती हूँ फिर से कैसा हो रहा है। ये हमारे घर का जो है फ्रंट वो है, आज थोड़ी सी शॉप्स खुल गई हैं एक दो। अरे चीकू कैसे गाने गा रहे हो? अरे यार एक हाथ से ना बहुत तंगी आती है व्लॉगिंग करने में। ओहो गरम गरम मेरी आलू बड़ी की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट भी है, रेडी हो गई है। रेडी हो गई? पहले बन गई? हाँ बन गई। ये वाली थोड़ी सूखी थी, मतलब मैंने निकाल ली, उसके बाद मैंने गरम पानी ऐड किया इसमें, फिर इसको थोड़ा सा लिक्विड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी ये वाली जो है ना, तो ये भी नहीं खाई जाती।
है ना, थोड़ा सा ये वाली है टेस्टी बनी है बहुत, मैंने चख के भी देख ली, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि चीकू जो है दोपहर को चावल ही मांगते हैं बच्चे, फुलके तीनों टाइम नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हल्का पानी गरम लगा के ऐड किया है। आप एक बार ट्राई करना इस तरह से तल के बड़ियों को, बहुत अच्छे। ये मैं किचन से शूट कर रही हूँ, मामी आए हैं, मम्मी और मामी कहाँ हम लोग साथ में बैठ के, वैसे तो चाय तो मैंने बनाई लेकिन कहाँ साथ में बैठ के बात करते थे, कोरोना के डर से दूर दूर से बात कर रहे हैं। बच्चा पार्टी को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये है रूम की हालत, ये नीचे बैठ के देख रहे हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस रूम को साफ़ करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो मैं कहाँ से प्रॉपर व्लॉगिंग कर पाऊँगी, इसलिए मैं प्रॉपर व्लॉगिंग, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। अभी गुड़िया बहुत छोटी है, पूरा दिन खा जाती है मेरा, मतलब पूरा दिन चाहिए होता है, बिखरी पड़ी रहती हूँ, लिपस्टिक बिंदी भी लगाना कभी कभी भूल जाती हूँ, 3-3 दिन नहीं लगती। तो वेल, रूम से मैंने सारे बेडशीट्स और दलीचा वगैरह जो था दरी वरी निकाल दिए, डेटॉल डाल के मैं गर्म पानी लिया है, मैंने पोछा लगाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे पूरा दिन इसी रूम में टीवी की वजह से रहते हैं, इनके आधे टॉयज़ बाहर टेबल पे और आधे अंदर वगैरह रखे पड़े हैं, और अलमीरा पे भी काफ़ी सारा खिला रहा है, उसको भी किसी दिन उठाऊँगी मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल के। अब 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में, 36 घंटे तो होते नहीं, और 24 आवर्स में 5 से 6 ही घंटे सो पाती हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से रात को, उसमें भी उठ उठ के बच्चों को देखना पड़ता है, तो इस रूम की तो स्पेशली मेरे को सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, और किचन की, क्योंकि पूरा दिन ट्यू छोटी है, उसको बार बार डांट रहा हूँ, डांट तो देती हूँ लेकिन मारने से वो बहुत रोने लगती है और नीचे लेटती रहती है। तो वेल, अभी सारा मैंने ऊपर जाले लग गए थे वो सब भी, तो वन बाई वन अगर थोड़ा थोड़ा निकालूंगी ड्राइंग रूम की सफाई के लिए, तो मुझे लगता है मेरा पूरा सुबह से शाम तक का पूरा ही दिन लग जाएगा। वहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है, सर्दियों के हमने कपड़े धो धो के रखे थे कि हम उठा देंगे, वो भी बिखरे पड़े हैं क्योंकि फिर से सर्दियाँ जा ही नहीं रही यार, 2 दिन धूप निकलती है, 3रे दिन 4थे दिन वही मौसम हो जाता है, तो इसके जाले वाले खिड़कियाँ विड़कियाँ मैंने सब कर दी क्योंकि सर्दियों में सफाई कर नहीं पाई मैं, यहाँ बहुत ठंड होती है और हमारे घर में धूप नहीं आती, आधे में सिर्फ बरामदे में, आधे बरामदे में आती है, तो भाई ठंड की वजह से मैं यहाँ काम नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा सर्दियों में। बच्चों की भी बहुत केयर करनी पड़ती है क्योंकि छोटे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, बार बार बीमार हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अभी मुझे शॉप का भी काम कम हो रहा है मेरे को, मम्मी को, बिकॉज शॉप खुल नहीं रही है, वैसे भी गांव की शॉप है तो बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होती है, लोग उधारी लेके जाते हैं, तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं कि उनको व्लॉग देखना है, तो प्लीज़ ये रहा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, इसको लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।